हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन पटेल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में साइंस वाला सचिन पटेल। दोस्तों, ये आज का हमारा जो वीडियो है, ये हमारा फिफ्थ वीडियो है ऑफ द सीरीज इलेक्ट्रिसिटी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है और रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्या क्या चीजों को बदलने से रेजिस्टेंस बदलता है और सारी चीजें, और कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो रेजिस्टेंस का मतलब होता है कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो करंट को फ्लो होने नहीं देता। ओके, सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इज अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ओके, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा मतलब करंट की वैल्यू कम। सो हमें ऐसा कंडक्टर सेलेक्ट करना पड़ता है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। मैथमेटिकल फॉर्मूला उसका होता है आर इज वी अपॉन आई, जहां पे वी का जो मतलब है वो है पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई इज करंट। सो आप देख सकते हो यहां पे कि आर और आई दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। So, अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा तो आप क्या लिख सकते हो, इट इज वन अपॉन आई, मतलब दोनों आपस में इनवर्सली वेरिएबल। यूनिट ओम्स में हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं और इसे हमने सबसे पहले देखा था ओम्स लॉ वाले वीडियो में, जब मैंने आपको बताया था कि हम एक अलग वीडियो देखने वाले हैं रेजिस्टेंस रिलेटेड, और तो ये है वो वीडियो। अब बात आती है यहां पे, अगर मुझे वन वैल्यू चाहिए, आई वॉन्ट रेजिस्टेंस एज वन ओम, तो मैं क्या लिखता हूं, 1 ओम इज 1 वी अपॉन 1 ए, दैट इज 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। सो द कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इज 1 ओम व्हेन सप्लाई ऑफ 1 वोल्ट प्रोड्यूसेस अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, या फिर कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होता है जब 1 एम्पियर करंट उसमें से फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रहता है। सो काफी आसान है, 1 ओम इज 1 वी अपॉन 1 एम्पियर। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतना करंट कम रहने वाला है। सो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सो वैसे अगर हम लोग देखें, सो मेन तो आपके पास जो फैक्टर्स रहेंगे उसमें सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर हम लोग कहेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सेकेंड फैक्टर जो है आप कह सकते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओम्स लॉ में बताया था, फिर से एक बार बता देते हैं, ये जो सपोज ये कंडक्टर है, सो ये जो साइड वाला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो दोस्तों, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके अलावा और भी होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर पे भी वो डिपेंड करता है, मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है, बट जहां तक हम लोग एक ही मटेरियल अगर लेके चले तो ये सबसे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे आपको ज्यादा फोकस रखना होता है। सो देखते हैं कि डिटेल में ये दोनों फैक्टर्स कैसे रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं कौन से फैक्टर्स हैं। जैसा पीछे हमने देखा, दो मेन फैक्टर्स बताए थे, यहां पे चार लिखे हुए हैं। सो सबसे पहला आता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो जनरली जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके लेंथ को, किसके, कंडक्टर के, आपके नहीं कंडक्टर के। सो कंडक्टर का लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है। सो यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज आपको बताता हूं, जब भी घर में इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं, सो जो आता है इलेक्ट्रीशियन वो उतना ही वायर वहां पे रखता है जितना जरूरी होता है। आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा कि एक्स्ट्रा से बहुत सारा वायर वहां पे पड़ा हो, अगर पड़ा भी होगा तो वो गलत है, बिकॉज थोड़ा भी वायर अगर ज्यादा है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसा बताया साइड वाला एरिया। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ अगर आप देखोगे, सो रिलेशन इनवर्स, ओके, मैं एक्चुअली रेजिस्टेंस यहां पे पुट करते जा रहा हूं इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बुक में ऐसा मेंशन होगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इसके लिए होगा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये ऐसा है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ इसलिए मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, ठीक है, पुट कर रहा हूं, सॉरी। सो लेंथ ऑफ कंडक्टर के साथ वो डायरेक्टली वैरी करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ वो इनवर्सली वैरी करेगा। अब टेम्परेचर और मटेरियल जो है ना, ये हमारा सिलेबस में है नहीं, मतलब इनके साथ क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूं, बट इक्वेशन में हम लोग इसको पुट नहीं करेंगे। टेम्परेचर के साथ ऐसा जनरली देखा गया है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। सो रिलेशन क्या आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एज द टेम्परेचर विल इंक्रीज रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट आता है मटेरियल, मटेरियल टू मटेरियल रेजिस्टेंस वैरी करता है। एग्जाम्पल एक शेयर करता हूं, अगर आपको नाइक्रोम पता होगा, ठीक है, और दूसरा है कॉपर। सो
सो अगर हम इन दोनों का रेजिस्टेंस कंपेयर करें सो इसका 60 टाइम्स ज्यादा है। इवन गोल्ड सिल्वर में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता ही है, आयरन कॉपर में होता है। सो मटेरियल टू मटेरियल रेजिस्टेंस वैरीज अगर हम बाकी की चीजें भी कॉन्स्टेंट रखते तो, बट हमें जो इक्वेशन में यूज करना है वो ये दो है। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, लेंथ इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो अगर मैं दोनों को कंपेयर कर देता हूं यहां पे, सो आप लिख सकते हो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ये इस तरीके से आ जाता है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है सो आई विल राइट आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। दिस रो इज कॉन्स्टेंट और जिसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ओके, हमने इनिशियल जो शुरुआत का वीडियो देखा था वहां पर मैंने बात की थी रेजिस्टिविटी की। सो रेजिस्टिविटी हर एक कंडक्टर की अलग अलग होती है, हर एक इंसुलेटर की अलग, हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है, हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं। सो दिस रेजिस्टिविटी इज रो, ठीक है, इसको लिखते ऐसे है आर एच ओ, दिस इज रो। सो अगर मुझे यहां से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला चाहिए, ए यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल डिवाइड हो जाएगा, सो आप लिख सकते हो रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला आप किसी भी जगह पे किसी भी कंडक्टर के लिए विद प्रॉपर वैल्यूज ऑफ लेंथ रेजिस्टेंस एंड एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो रेजिस्टिविटी क्या होती है। अब आपके बोर्ड पे एक चार्ट देख सकते हो, उस चार्ट में अलग अलग मटेरियल की क्या क्या रेजिस्टिविटी होती है वो वहां पे मेंशन है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अगर आता है कि जहां पे आपको ए एल या आर निकालना है तो रेजिस्टिविटी दी जाएगी, अदरवाइज अगर मेरे पास ये तीन वैल्यूज है तो मैं आसानी से रेजिस्टिविटी निकाल सकता हूं। अब यहां पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, वो पॉइंट ये है कि जब भी हम लोग कोई भी वायर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जनरली हमें एग्जाम में वायर के क्वेश्चन आते हैं, सो ये जो ए होता है, ए क्या लिखा हम लोगों ने से क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो किसी भी वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो हमेशा सर्कल होता है। सो यहां पे आपको एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, पाई आर स्क्वायर। ओके, मैथ्स का एक फॉर्मूला है पाई इंटू आर स्क्वायर, जहां पे आपको पाई की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। पाई की वैल्यू क्या आती है, दो वैल्यू होती है, 3.14 भी हो सकती है या 22/7। सो डिपेंडिंग अपॉन द गिवन वैल्यूज वी विल डिसाइड कि कौन सा यूज करना है। बट अगर क्वेश्चन में बोला गया है 3.14 लेना है तो 3.14 से ही आपको आंसर लाना पड़ेगा। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो है इस आर से रिलेटेड, दिस आर इज व्हाट, रेडियस, और वायर बहुत पतला सा होता है। सो जनरली ये जो आर है यू कैन से रेडियस, ये आपको हमेशा एमएम में दिया होता है। ओके, मेंशन कर देता हूं यहां पे, गिवन यू कैन से इन एमएम, बहुत छोटे यूनिट में उसको दिया होता है। सो मुझे उसे कन्वर्ट करना होता है मेरे स्टैंडर्ड यूनिट में। सो एक रिलेशन है जिस रिलेशन को आप आसानी से याद रख सकते हो, एंड दैट रिलेशन इज 1 mm इज इक्वल्स टू 10^-3 meters। ओके, माइनस 3 meters होता है, वो भी बता देते हैं कैसे आता है। 1 centimeter में होते हैं 10 mm और 1 meter में होते हैं 100 centimeter। 10 और 100 ये 1000 हो जाते हैं, पावर हो गया 3, वो रहेगा नीचे आ जाएगा ऊपर आगे -3 पावर। ओके, सिंपल याद रखिए बस 1 mm में 10^-3 meters, जिसे आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, सो दैट आपका जो आंसर है वो ऐसा यूनिट में आ जाएगा। सो दोस्तों ये था रेजिस्टेंस का वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है और रेजिस्टिविटी एक्चुअली क्या होती है। कुछ कुछ सब्सटेंसेस, कुछ मटेरियल की रेजिस्टिविटी आपको मैंने सामने डिस्प्ले भी की, और जैसा बताया आपको लर्न नहीं करना है, क्वेश्चन में दी जाती है एग्जाम्पल के लिए एक आधी आप जो भी आपको अच्छी लगती है वैल्यू या आपका कोई लकी नंबर होगा उसे आप याद रख सकते हो। इसके बाद वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं। ओके, दो टाइप के कनेक्शंस होते हैं, सीरीज और पैरेलल, और दोनों की हम लोग फॉर्मूले डिराइव करेंगे और साथ ही साथ कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस चैनल पे, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। और हाँ, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इतने मजेदार वीडियो आपके लिए आ रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। और सबसे मेन चीज, काफी सारे बच्चे पूछते हैं सर आप कौन सी बुक रेफर करते हो। सो जो भी बुक्स मैं रेफर करता हूं पढ़ाने के लिए या खुद के भी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, उन सभी बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, एक सिंपल क्लिक और आप उस बुक को वहां से ऑर्डर कर सकते हो। मिलते हैं एक अगले वीडियो में।